पलवल में जिला नगर योजना कर की ओर से अवैध कॉलोनियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। वीरवार को जिला नगर योजना कर अधिकारी राजेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ गदपुरी की अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई करने पहुंचे। उनके साथ विभाग के कर्मचारी एवं पुलिस दल भी मौजूद रहे। तोड़फोड़ करने पहुंची टीम को देख डीलरों में हड़कंप मच गया। वहीं टीम की ओर से प्याला चौक के पास की एक अवैध कॉलोनी में बने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय को भी ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी कॉलोनी के रास्तों को भी जेसीबी द्वारा तोड़ दिया गया। डीटीपी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आज की इस कार्रवाई में बगोला प्रथला गदपुरी के पास अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ के दौरान आने वाली परेशानी के जवाब में उन्होंने बताया कि लोगों की ओर से इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने के लिए विरोध सामने आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके विभाग के निदेशक के निर्देश अनुसार वे अभियान जारी रखेंगे। ये गदपुरी में है हमारा आज अभियान, प्रथला जो हमारा अर्बन एरिया उसके अंदर है। ये तो नई नई कॉलोनी डेवलप हो रही थी, आप देख रहे हो, तो इसमें एक डीजर ऑफिस था, ये 1000 स्क्वेयर फीट का, इसको हमने डिमोलिश कर दिया। एक तो बिजली के खंभे हैं, उनको भी अभी डिमोलिश कर देंगे। बाकी रोड नेटवर्क, अभी कच्चा रोड नेटवर्क है, इसको भी डिमोलिश करेंगे। तो करीब 10 दिनों से आपकी कार्यवाही जारी है, कितनी कॉलोनियों में आप कार्यवाही अपने कर चुके हैं अभी तक? तो हम अप्रॉक्सीमेटली 20-22 कॉलोनी में हम तोड़फोड़ कर चुके हैं। इसमें हमने 15 के करीब जो है मकान गिराए हैं और 5-7 डीलर ऑफिस भी गिराए हैं। जहाँ डीलर ऑफिस है वहाँ डीलर ऑफिस, जहाँ अनऑक्यूपाइड हाउसेज होते हैं, जो हाउस बन चुके हैं, अबंडेंट है, कोई रह नहीं रहा, तो वो हाउसेज भी हम गिरा रहे हैं। कई बार ये डीलर लोग जो है घर बना के भी बेचते हैं, तो वहाँ पता करते हैं, कोई रजिस्ट्री वगैरह कोई आता नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करता, तो हम वो गिरा देते हैं। तो क्या कह सकते हैं पलोल में ऐसी कितनी अवैध कॉलोनियाँ हैं? वो तो लिस्ट हमने पूरी डिस्प्ले कर दी है, मतलब 78 तो मेरी पलवल तहसील में ही है। उसके अलावा नू, अपना हथीन और होडल, उनकी भी अलग अलग लिस्ट है। हमने डीसी ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, पीडीपी ऑफिस में, हर जगह डिस्प्ले कर दी हमने। तो धीरे धीरे कार्रवाई जारी है। इस तोड़फोड़ कार्यवाही में कोई किसी तरह की कोई परेशानी, कोई राजनीतिक या कुछ ऐसा भी दखल आ रहा है? नहीं, दखल तो नहीं आता। बाकी हाँ यूँ है कि भी कभी कभी थोड़ा सा पब्लिक का प्रोटेस्ट आ जाता है, जिनका हम प्रॉपर्टी तोड़ने जाते हैं, जो जिन्होंने मकान क्रॉप प्लॉट लेके मकान बना लिए है, तो वो भी अवैध कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं कई बार इकट्ठे होकर। तो समटाइम्स वी हैव टू थोड़ा रोकना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर हम कर लेते हैं उनको समझा बुझा के। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, ये तो पूरे हरियाणा में अभियान चल रहा है। हमारे डायरेक्टर सर हैं मकरंद सर, तो वो पूरे हरियाणा की टीम को लीड कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हम जो है ये सारी कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। विभाग अधिकारी राजेंद्र शर्मा के अनुसार वो अब तक जिले में करीब 22 कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई कर चुके हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये बिल्कुल राइट लगाया गया है जी। इसमें क्या है कि गरीब आदमी की पूंजी सारी लग जाती है इसके अंदर, तो पहले से अगवा रहेगा इसके अंदर, तो उसकी पूंजी बचेगी। अब गरीब आदमी लेता है, कोई और बेचता, किसी और की जमीन होती है कोई और बेच देता है, तो उससे नुकसान गरीब आदमी को ही होता है जी। जो गवर्नमेंट कर रही है इस टाइम बिल्कुल राइट कर रही है, एकदम ठीक ठाक कर रही है। पलवल के किन किन क्षेत्रों में हो रहा है ज़्यादा? ये ज़्यादातर तो देखो जी, वहाँ पे असाप्ती के ज़्यादा ना आ रहे हैं। जैसा रेलवे स्टेशन के पास जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे सफ़र करते हैं, वहाँ सारे फ्लैट तोड़ बना रखे हैं लोगों ने, फ्लैट काट रखे हैं, वह सब लिख रखा है इसके अंदर, खसरा नंबर सब कुछ जी। मतलब ऑल टोटली पलवल के 90% इसके अंदर दे रखे हैं जी पूरे इसके अंदर। जो जो अवैध कॉलोनियाँ हैं जी, अवैध कॉलोनी जो वो सब है, वाकई में ही टूटनी चाहिए। अच्छा, कुछ जो डीलर हैं या डीलरों के नाम भी दिए हुए हैं, हाँ जी, बाकायदा लिस्ट दी हुई है, उनके बारे में क्या कहना है? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गरीब आदमी को ठग रहे हैं, वो अपने तो बैंक भर रहे हैं, दूसरे को खाली करे जा रहे हैं बेचारे गरीब आदमी। एक एक रुपया कैसे कैसे करके वो अपना आसियान बनाता है और उसको नुकसान पहुँचता है, वो अपना तो पेट भर रहे हैं लेकिन दूसरे को बेचारे को दबा रहे हैं। तो इसमें कुछ तो हाथ गवर्नमेंट का भी हाथ लगा रहता है जी, इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी होता है कि मिली भगत होती है, सबको पता है कि क्या यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस टाइम तो रोकते हैं, जब बना लेते हैं मकान वहाँ पर अपनी लगा देते हैं, जब उन्हें तोड़ देते हैं। ये गवर्नमेंट भी इसके अंदर साथ रहती है। प्रशासन की ओर से उठाए गए इस कदम की लोगों ने सराहना की, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि ये सब प्रशासन एवं सरकार के लोगों की पहल और सहमति से होता है। भारत 9 के लिए पलवल से ज्योति खंडेवाल की रिपोर्ट।